आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की नई नवेली प्लेइंग 11 हो चुकी है तैयार। तो चलिए नीलामी के बाद अब कैसी है सीएसके की न्यू प्लेइंग 11 फटाफट देख लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स के साथ। तो देवन कॉनवॉय के साथ ऋतुराज गायकवाड़ इस साल भी ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। हमने पिछले साल का पूरा आईपीएल देखा दोस्तों, और इन दोनों प्लेयर्स के बल पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कप उठाया था। तो जाहिर है ओपनर्स इनका स्ट्रांग पॉइंट रहा है, और जब जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है आईपीएल के पूरे इतिहास में, तब तब आप नोटिस करेंगे इनके पास अच्छे ओपनर्स रहे हैं। और इस बार भी आईपीएल से पहले ही नीलामी के बाद इनके पास वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं। ऑप्शन के रूप में इनके पास अजिंक्य रहाणे और समीर रिजवी भी है। इस बार 8.5 करोड़ रुपए देकर इन्होंने समीर रिजवी को खरीदा है, जो कि आपका एक ऑप्शन बन सकते हैं ओपनर के रूप में। हालांकि अपर ऑर्डर टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज है लोकल क्रिकेट में। तो अगर भैया कॉनवॉय या गायकवाड़ में से कोई एक फ्लॉप होता है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रिजवी की तरफ भी देखेगी। अजिंक्य रहाणे भी एक विकल्प है, जो कि पिछले साल भी विकल्प थे और मिडिल ऑर्डर में पिछले साल खेल रहे थे। अगर ओपनर में भैया कुछ नहीं चला तो ये रहाणे को भी ट्राई कर सकते हैं ओपनिंग सेटअप में। रहाणे पारंपरिक रूप से एक ओपनर रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ सालों में ओपनिंग नहीं करते। तो जाहिर है भैया ये चेन्नई सुपर किंग्स का ओपनिंग सेटअप है, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट ओपनिंग सेटअप अभी की कंडीशन में नजर आ रहा है। और अगर आप आईपीएल की नीलामी के बाद सारी टीमों को कंपेयर कर लेंगे और टॉप 3 या टॉप 4 ओपनर्स की बात करेंगे, तो चेन्नई का स्थान वहां पर रहेगा। चेन्नई के फैन हो, ओपनर्स के लिए लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर देना, और आप भी 10 में से रेटिंग देना नीचे कमेंट बॉक्स में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स को। चलिए दोस्तों चेन्नई के ओपनर्स के बाद अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो नंबर 3 पर रहाणे, नंबर 4 पर डैरिल मिचेल और नंबर 5 पर शिवम दुबे उतरने वाले। विकल्प के रूप में इनके पास महेंद्र सिंह धोनी, मोइन अली और रचिन रविंद्र भी है। 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण मोस्टली आप देखेंगे कि ज्यादातर मैचों में मोइन अली और रचिन रविंद्र बाहर बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने डैरिल मिचेल को 14 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। बेन स्टोक्स की एक रिप्लेसमेंट ढूंढी देखी गई है उनमें। तो जाहिर है नंबर 4 नंबर 5 की पोजीशन पर मिचेल एक कहना चाहिए स्तंभ बनाते हुए नजर आएंगे, रीढ़ की हड्डी बनाते हुए नजर आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 का। बाकी शिवम दुबे का पिछले साल फॉर्म बहुत अच्छा था, और उसके बल पर चेन्नई रहेगी। इन तीनों में से कोई भी फ्लॉप रहा तो महेंद्र सिंह धोनी फ्लोटर का रोल निभाकर नीचे से ऊपर आकर खेल सकते हैं, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पर उतर सकते हैं। धोनी भी, अली और रविंद्र इनके पास है ही, जो ज्यादातर मैचेस बाहर ही बैठने वाले हैं। तो ये इनका मिडिल ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर का सेटअप था। बाकी आप बताना कैसा रहना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स का नया वाला मिडिल ऑर्डर कमेंट बॉक्स नीचे। और फिर बोल रहा हूं चेन्नई के फैन, और लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना लाइक का बटन भी नीचे। चलिए दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स के लोअर ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो। आईपीएल के हर एक टीम की प्लेइंग 11, हर एक टीम का स्वॉट एनालिसिस, हर एक टीम का स्क्वाड का पूरा डेटा पोस्टमार्टम सब कुछ निकाल कर आपकी स्क्रीन पर रख देंगे। कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमजोर दिख रही है आईपीएल से पहले नीलामी के बाद, सब कुछ हर रोज बताएंगे, और एक एक खबर तो हर रोज आपको देंगे ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों अब इनका लोअर ऑर्डर देख लेते हैं। तो नंबर 6 पर जड्डू, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी। लोअर ऑर्डर के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आपको इंडिया का वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर मिल जाता है जड्डू के रूप में, और दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर, सबसे बड़ा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मिल जाता है, जो कि कप्तानी और विकेट कीपिंग इनकी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इनके पास मिचेल और सेंटनर दो ऐसे विकल्प है जो लोअर ऑर्डर में उतर सकते हैं। तो अगर ये चाहें तो डैरिल मिचेल को, जो कि नंबर 4 पर हमने रखा है, नीचे भी उतार सकते हैं, लोअर ऑर्डर में भी उतार सकते हैं, और मिचेल सेंटर तो इनके पास ऑप्शन है ही। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर लोअर ऑर्डर के मामले में चेन्नई सेटल है। जिस तरह से ओपनिंग में कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं थी चेन्नई की टीम में, लोअर ऑर्डर में भी नहीं है अभी की परिस्थिति में। तो इनके लोअर ऑर्डर के लिए तो भैया लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे, नहीं हिट किया है तो कर देना। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की, टेलेंडर्स की। तो नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, इनकी नई एंट्री, 4 करोड़ में खरीदा। नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर दीक्षणा और नंबर 11 पर पाती राणा उतरते हुए नजर आएंगे। पाती राणा चोटिल हैं तो हो सकता है उन्हें बाहर भी बैठना पड़े, और अगर वो बाहर बैठते हैं तो उस कंडीशन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इनके पास इंडियन विकल्प है, इन्होंने इसीलिए मुस्तफिजुर रहमान को भी लेकर रखा है। अगर पाती राणा उपलब्ध नहीं हो सके तो शार्दुल ठाकुर इनकी टीम को एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आज से 3 साल पहले भी प्रोवाइड करते थे। पता नहीं क्यों चेन्नई ने उस समय निकाल दिया था, लेकिन वापस ले लिया है। दीपक चहर तेज गेंदबाजी प्रोवाइड करेंगे,
और तीक्ष्ण वो स्पिन गेंदबाजी को और आधार देंगे। हालांकि इनके पास स्पिनर्स ऑलरेडी है, जडेजा ऊपर से स्पिन करा सकते हैं, तो जडेजा के साथ देने के लिए ये फिर तीक्ष्ण की तरफ देखेंगे। और बाहर इनके पास मोइन अली बैठे रहेंगे बेंच पर, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्पिनिंग पिच मिली, और जाहिर है अपने रचिन रविंद्र तो है ही। तो गेंदबाजी भी इनकी सॉर्टेड और सेटल नजर आ रही है। विकल्प भी इनके पास इमरजीत सिंह, मुस्तफिजुर रहमान, मुकेश चौधरी और आर अंगरकर के बड़े विकल्प इनके पास मौजूद है। तो गेंदबाजी को शॉर्ट किया है इन्होंने, मिडिल ऑर्डर को और मजबूत किया है, डैरन मिचेल और रचिन रविंद्र को लाकर विकल्प भी बनाया है, और अपर ऑर्डर तो इनका तगड़ा था ही। आप बताओ यार चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कैसी लगी, 10 में से रेटिंग दो इनकी प्लेइंग 11 को नीचे कमेंट बॉक्स में। और चेन्नई के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर देना भाई, लाइक का बटन भी नीचे है।